हर पहलड़ी लाव पर विरती कर्म दिरडाया बलराम जियो वाणी ब्रह्मा वेद तरम दिरड़ो पाप तजाया बलराम जियो पाप तजाया बलराम जियो हर पहलड़ी लाव पर विरती कर्म दिरड़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद तरम दिरड़ो पाप तजाया बलराम जियो पाप तजाया बलराम जियो जेड़े संत सच्चे मार्ग दरगाह चो सतगुरु हुकम आउंदे ने उन्होंने सानू आसान ते आसान मुक्ति दा रस्ता दस्या ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਜਨਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਜ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਣ ਪ੍ਰਸਥ ਸੰਨਿਆਸ ਵਗੈਰਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣ ਪ੍ਰਸਥ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਉਣੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਅੱਗੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ੍ਰਿੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨਾਰਦ ਸੋਚ ਲਓ ਪਰਾਚਰ ਜੀ ਨਿਛੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਈ ਦੁਨੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜਾ ਜੜ ਭਾਰਤ ਰਾਜਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਰਗਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਿਰਗਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਰਗਣੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਗਜੋ ਮਰ ਗਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਗ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਬਸੇ ਘਰ ਬਾਰ ਹੀ ਘਰ ਮਾਏ ਰਾਮ ਨਿਰਾਲਾ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਮਹੀਨਾ
जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बन जो बसे सोई सास जान। कर्च रहने हो त्याग करे, बड़ मंगू रहे तो मेरा नहीं। यही माधवन चरणदास कहने ने, यही दुल्हनदास ने किया, जग रहो जगते लग रहो, जोग जुगती की रीत, दुल्हन हृदय नाम से लाई रहो दुरुपीत। जिनका मन वृक्ष सदा रहो, जहां चित लाए घर बार देख सा दारी दुबदा खाए। के घर के बाहर जो चितावे नाम, दोनों है बराबरी के जंगल के ग्राम। गुरु नानक साहब नु शाशक मिले, भक्ति गल चली। उन्होंने फरमाया जेड़ा दिल ते फकीर है, दुनिया में निज प्रेम नहीं करता है, हक लाल लकमा के खांदा है और भक्ति करता है, उस सच्चा साधु है। जेड़ा त्याग करके जाता है बाहर माया लेंदा है, वो साधु नहीं। से कारोबार का छड़ना जेड़ा है ये जरूरी नहीं, ये तो कर्म के हिसाब नाल है। जेड़े त्याग के गए वो अक्सर मारे गए। हूँ गुरु नानक साहब लामा ने दसते ने कि असं किमें ग्रिश रेंदे हुए असं मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ फिर बोल रहे हर पहलड़ी लाम पर विरती, कर्म दिरड़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद तरम दिरड़ो, पाप तजाया बलराम जियो, पाप तजाया बलराम जियो। दो किस्म के कर्म है, प्रवृत्ति ते निवृत्ति। प्रवृत्ति ते निवृत्ति, निवृत्ति निरोल बैराग का काम है, घर बार छड़ के जंगल चले जाना। प्रवृत्ति के दुनिया च रहते हुए, बाल बच्चे च रहते हुए, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी, यार दोस्तों की यारी बनाते हुए और कौम वजू च अपने रेंदे हुए, भक्ति असूलों से कायम रखते हुए अपने छुटकारे का काम करना। दुनिया च प्रवृत्ति कौन करता है, ये कड़े जरिए ने, पंज जरिए ने, क्या काम क्रोध दो मोहकार, इन्होंने जरिए दुनिया चलती। एक हथियार कह लो जरिए कह लो, जे हथियार का जायज इस्तेमाल करे तो फायदेमंद रहा है, जे नाजायज करे तो नुकसानदेह है। असं जिन्ना काम करते इन्हों के काम करते, हो किसी का नहीं करते, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का, इसी फसल पैंसल चीजें छुटी बैठे हैं। काम सब का बादशाह है, इन्हों च जो काम है यह सब का बादशाह है। काम कहते किनू ने, जिन्हें विषय ने, जिन्हें इंद्र ने लज्जा ने, जिन्हें स्वाद ने, यह सारी काम च ने, यह सारे काम च ने। काम काम सबको कहे, काम न चिन्ह कोए, जेती मन की कल्पना काम हस काम कहावे सोए। ये जिन्नी कल्पना ने विषय वास्ते चीजा की लौड़ है, समाने लौड़ है, फिर कल्पना करता है, ये सारी काम च ने। जिते काम है उत्थे नाम ने, दोनों रास्ते अलग अलग ने। नाम रूहानी मंडलों च मिलता है, ये सानू बारमुखी लई फिरदे ने। जहां काम तहां नाम ने, जहां नाम ने काम, दोनों कहू ना मिले रब रजनी कठान, ये सानू बारे बार लई फिरदे ने। नाम सूक्ष्म मंडल जाके मिले, इस जग में नाम अलभ है ही नहीं। गुरु हो से मन आया, किसी गुरु ने प्रगट किया, काया नगरी मंगन चढ़ जोगी तो नाम पहले पाई। जब तक असं विषय विचार ज्यादा फसते हाँ, असं मालक दरगाह नहीं जा सकते, भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्र कीरे स्वाद, हीरा खोया हास है, जन्म गवाया बाद, साड़ी दुनिया इस दिन बर्बाद करके चली गई। इन्हें तो कंट्रोल रखना चाहिए, दस इंद्री कर रखे बास, ताकि हाथ में होए प्रकाश। ये मुसलमान फिर कहते हैं, क्यों जे हिस बैरून आमद आदमी, बाशद अब तस्वीर है भी आदमी। तो जब तक तेरा ख्याल विषय कारण रहो, तो अंदर नहीं जा सकता, गैब की तस्वीर नहीं देख सकता। एक वीर साहब कहते हैं, जब तलक विषयों से मन वृत्त हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा सच्चा सुख पाता नहीं। इन्हें पापा से बचने लई सन की चाहिए, वाणी ब्रह्मा वेद क्या
जेड़े असूल ऋषि मुनि ने बेदा शासन लिखने ब्रिज चलाने वास्ते उन्होंने चलना चाहिए। पहले जमाने च अखलाकी तलीम दी जाती सी लेकिन अजकल नहीं दी जाती। अजकल शादी का असल मतलब यह समझा जाता है कि खूब अच्छे मन पाते खाने खाओ, अच्छा पहनो, विषय भोगो, होर ऐश शुरू करो और यह करते करते हफ्ते ज्यादा टप जाता है और नतीजे सामने आ जाते हैं। फिर क्या कमजोरियां, बीमारियां, आमदन घट, खर्च ज्यादा, फिर उन्होंने कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल होता नहीं। ये ऐसी चीज है अगे अगे बधी जाती है। नारी पुरुष सब ही सुनो, ये सतगुरु की साख, विश्वर फले अनेक है, मत कोई देखो चाह। इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल ना एहतियात ना रहना चाहिए। अगर एहतियात ना नहीं रहता तो दुख पाँदा। एक मुसलमान सूफी होया है, ये उन्होंने किसी ने दावत की थी। दावत गया, थोड़ी जी मिठाई खा के बस की थी। कहने बस भाई, कहने बस भाई, फिर क्यों इन्ना के कहने लगे भाई इंद्रिया बदमाश घोड़े की तरह ने, इंद्रिया एक बदमाश घोड़े की तरह ने, बदमाश घोड़े नो अगर चाबक ला दो पता नहीं कि खड़े सिटे, मैं अपनी साधना रूपी लगाम मजबूती ना पकड़े रखदा ताकि कंट्रोल च रहे। हुण उहदी दोस्ती नवा गया, मन भी खुश कर गया, इन काबू भी रखिया। सोचो ये दुनिया च रहने का तरीका है, इन काबू भी रखे। अगर ज्यादा विषय च है फिर नहीं, फिर तो हाल की है, फिर की हालत होंगी है, जिमें मच्छी पकड़ी होंगी है कुंडी च, इस तरह तड़फदा क्या, अपनी भी सेहत कमजोर, आप भी पिटदा है, औरती पिटदी है, बाल बच्चे पिटदा है, ना उन्हें पढ़ा लिखा सकता है, सारा दिन चिंता फिर लगी घर घर देखो की हाल है, अंदर बीमारी घुण की तरह लगी रहती है। सोच लो फिर की करना चाहिए, फिर तेरे ख्याल नाल कंट्रोल रखते हुए दो तीन बच्चे होने के बाद अपना ख्याल बदल ले भैन भरा की तरह, फिर सब रिश्ते छड़ दे। अगर जोड़ा इस तरह वरतदा है वो जिंदगी खुशी निकलती है, खुशी नाल बुढ़ापा भी चंगी तरह निकलता है, दूसरे रोंदे पिटते जाते हैं। अजकल तो गवर्नमेंट भी लिखती है कि क्या घर भी दो तीन बच्चे होंगे ने अच्छे, कम संतान सुखी किसान, यही स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि जब तक इंसान दे हिंदुस्तान दे आदमी भैन भरा की तरह रह नहीं सकते ये सुखी नहीं हो सकता। सो ये तरीका है। फिर तो यह है जिम्मे फरीद ने कहा जा कुआरी तो चाहो ब्याह तो मामले, फरीदा ही पछताओ बद कुआरी ना थी, फिर बस ऐसे तो चढ़े जाए दुखी होकर गुजार दें। दूसरा सूर की है कि स्त्री आदमी की वजीर है, दोनों सलाह ना कम करना, अपना राय ना कम करना। अगर साथी ठीक है तो भगती कोई हर्ज नहीं पैदा। चुड़ाला अस्तनी पढ़िया कितने मसा सुनाया करते थे, कोई बीती हुई है उन्हें पति नाम जो पाया रंका बंका, दो पति तीसरी सी भगती पाव वाले सी, गरीब सी हालत। नामदेव मालक मर्ज की कि मालका भुखे मरते हैं, चंगी तरह खाते नहीं पीते नहीं, तुनु कुछ दे, मैं तो दिना लेंदा नहीं, लेंदे नहीं, कहने लेंदे क्या नहीं, क्या चंगा कल जंगल जाके देख ली लकड़ियां बेचिया करते, लकड़ियां वास्त गए अभी की देखते हैं, रंग अगे है तो बंक पिछे है, की देखते हैं एक मोर पई उन्हें देखी, वो पैर के नाल मिट्टी नटकन लग गया बंक पूछती है की करदा है, अ कुछ नहीं मिट्टी ने हटाना की गल, कोई कहना कोई गल नहीं, नहीं फेर दी अखे मोर पई सी, मैं ढकदा कि रंग बंक दिल दिल चाह ना जाए, कहती वह भी मिट्टी तो भी मिट्टी, मिट्टी मिट्टी की फर्क है। अगे गए तो लकड़ियां गठे बने पे से, उन्हें कहा भाई जंगल किसी शाहूकार ने ले लिया है, हम अपने काम का तो है नहीं, अपने मतलब तो है नहीं, आप की लेके जाइए, खाली आ गए बेचारे रात में भुखे रहे। कहते एक मोर देखी से नतीजा है,
यह भगती पावन महान, यह सच्चे साथी का कबीर न किसी जिम्मेदार ने पूछा कि तू मालिक ने किमें पाया है, कहना लोई अदरा लोई आई, कहने का आटा लिया, आटा ले आई, कुछ की है भेजी है, कोई पा दे पाता, पानी लिया पानी लेंदा और मिट्टी पा दे बिच, और मिट्टी पाती है गुंदे गुंदे बाहर सुटिया सुटिया फिर ऐ पाया, कहने तो सुखाली जी वाला कर गया, और तुम कहना पर आवन पाइए कि मैं आटा है आटा हैगा लिया, क्यों क्यों भी हैगा पानी पानी भी हैगा, मिट्टी मिट्टी लिया इस पाद के तेरी मत मारी है, तेरी मत मारी है जो साथी होने ठीक है शास जा ईशाई खानदान च होया है वो लड़की सी लड़की खूबसूरत सी बादशाह ने लड़की ने देखा कहने लगे मेरी इन्हें शादी कर दे, कहने चंगा मैंने तीन दिन की मौत दे दे, तीन दिन की मौत देती वो बेचारा बड़ा नठा पै गया, कोई लैक लड़का ना मिले, आखिर तीसरे दिन शाम न मसीत दे विच फकीर नमाज पढ़ता पिया सी उन्हें देखिया उन्हें पिछे खड़ गया जब नमाज पढ़ हटिया, कहने तू शादी करानी है, कहता शादी तो मैं करा ला पर मेरे को है कुछ नहीं, क्या तू शादी करानी है, शादी तो करा लूँगा पर मेरे को की है, मेरे को तीन पैसे नहीं, कह चंगा है कर एक पैसे की रोटी लिया एक पैसे की दुकान लिया एक पैसे शक्कर लिया, मैं तेरे हमने निकाह पढ़ा देना, ले आया लिया तो निकाह पढ़ाता लड़की ने लैके डिमरन चले गए, गह चौंपड़ी सी चौंपड़ी चली गई लड़की की देखती है एक कोने च छोटा जा टुकड़ा रोटी का पिया सुकया, उन्हें पूछे ये की है, कहन लगा मैं रख लिया से भी कल नू खा लूंगा, वो बड़ी उदास हुई, कहन लगे मैं तो अगे कहता से भी शाह सुझा शाहूकार की लड़की मेरे ना किमें रह सकती है, कहने मैं इस करके उदास नहीं हुई, मैं उदास इस करके हुई हाँ कि मेरे बाप ने मैंने 20 साल पालिया, उन्हें ख्याल किया कि मैं उन्हें शादी करूँ जो पापी पाव वाला हो जिन्होंने मालिक से भरोसा हो सबर वाला हो, तेन तो भी भरोसा नहीं मालिक कल दे दू सोचो, तेन तो भी भरोसा नहीं भी कल भी मालिक दे दू, मैं तो इस गल से उदास हुई हाँ, इस तरह एक और मुसलमान से पापी पाव वाला से बाहर जाने लग गया कम से कई साल जाना बाहर जाना से, और कह लगे तेरे वास्ते की कुछ रख जा की इंतजाम कर जा, कहती जिंदी जिनी मेरी जिंदगी उन्हें इंतजाम नहीं कर जा, तब तेरी जिंदगी का तो मैंने की पता भी कितनी लंबी है, कहने फिर रोजी भी तेरे हक नहीं तेरे हाथ नहीं, जब चलिया गया एक माई कह लगी देख तेरा की बुरा हाल कर गया तेन कोई इंतजाम नहीं करके गया, कहती माई वो तो खाने वाला इसे देने वाला तो हूँ भी मेरे नाल है, अगर ऐसा साथी है तो भगती कोई फर्क नहीं पैंता, अगर प्रेम ना रहन लेकिन अज हाल की है वो कमादा मर गया रोटी पकाने मर गई, कभी लड़का हो गया कभी लड़की हो गई, कभी लड़ ले कभी झगड़ ले, वो कभी मेरे पेकियां च नहीं रही कभी मेरी सोसाइटी च रही, आ हाल कर कर प्रेम ना रहन प्रेम ना गुजारन, तीसरा मोटे मोटे असूल ने हक लाल की कमाई भक्ति वास्ते हक लाल की कमाई चाहिए, काल खाए कुछ हथों दे नानकड़ा पछाने, सब फकीर ने गुरु नानक साहब ने खेतीबाड़ी की चिश्ती साहब ने की कबीर ने ताना बाणा किया नामदेव ने सोच लो कपड़े रंगता रहा रविदास जी सिंह अटता रहा मोहम्मद साहब तजात करते रहे शमश से नाले बुन के बेचता रहा, सब फकीर ने हक लाल की कमाई पर जोर दिता, पराई खुराक कर खा के किसी ने भजन नहीं किया, दिल का टुकड़ा पूरा नौ नौ गुल दांत भजन करे तो उभरे ना त्रिकाड़े हंस, इसी करके गुरु नानक साहब ने मल भगत कूड़े त्याग किए, मौके से जरूरत पई किसी प्रेमी की कोई रोटी खा ली लालो दी किसी मौके खाते ने वो भी वरना अपने हक लाल दी खाते वो भी कोई प्रेमी हो गए कोई रोटी खा ली सोचो, पराया खा के किसी ने भजन नहीं किया, दराने इतने
पहले पहले नाथ सिंह आए से, उसके बाद डेरा बन गया, डेरे ठहरे हुए से उन्होंने एक मैस से मैसे कीड़े उन्हें बड़ा इलाज कराया। आखिर डॉक्टर ने इलाज कहता मैं गोली ना मार दे कोई इलाज नहीं। तो करतार सिंह उन्होंने भरा गोली वाले ने लिया। नार सिंह कहने लग गया उन्होंने जैसे उठे थे अपने निशान जी ने तो पूछ लिए निशान जी को आए कि जी आ कर लें निशान जी कहने उन्होंने मारता दे गोली नाल तो कर्म कर चुकू कहीं फिर अगर देखांगे दो चार दिन बाद फिर बाहर बह मैंने कहने लगे हमने ये चल मैंने देखी तो सही संघ नाल तुर पी चले गए जो मैं कर गए मैं सुन देख के निशान जी कहने लगे क्यों उन्हें सिर चुकया असं पूछा जी कि कहन लगे असी साधने ये बाणी का माल तल तल के खाती से असन बथेरा क्या भी तेन देना पऊ हूँ कीड़े बने हुए ने वो इस दिन जमे लुट लुट खाती से पट पट खाते ने यह हाल है पराया माल खा के ये फकीर से एक दिन की खुराक मत ये मत मार दी है एक फकीर से उन्हें जाते जाते ने एक बच्चे का गला कट लिया वह हार ला लिया फकीर अपनी चौंकी चलिया गया पता लग्या पुलिस आ गई पुलिस पीछे पीछे गई देखिए भी चौंकी तक बैठ जाती है उन्होंने पूछा इतने कोई आया फिर जी नहीं अखे कोई आया तो है एक बच्चे का गला कटिया कहना मही कटना हूँ तो कोई इतवार ना करे बादशाह पेश होए बादशाह समझदा सी हुक्म आई पुराने सियाने होंदे सी बादशाह कहन लग्या फकीर ने पूछा तू उदो खुराक कितों खाधी सी कहिंदा जी पट्ठी तो दाने लाए सी पट्ठी वाले ने बुलाया कहिंदा जी कसाई तो करदाना आया सी उह जो मुठ्ठी दाने दिते सी ये हाल है पराई खुराक का हक लाल की कमाई जरूरी है विच हक लाल की कमाई दे विच कुदरती बरकत ने दूजी एवें जांदी है बल्कि ये बदनवा बिल आ जाती है वह रही नहीं नासरुद्दीन महमूद बादशाह है बड़ा इंसाफ पसंद से वह खजाने चो नहीं खाता सी होर तो कम नहीं हुंदा सी उन्हें ड्रैगन हुंदा सी चंगे सी कुरान शरीफ या मजहबी किताबा लिख के बेचता नौकर नूं कहना 2 रुपए महीने तो नौकर रखे सी रोटी तो औरत पकाया करती सी बेत बाजार बेचिया पर यह ना दसी बादशाह की लिखता जे बादशाह की लिख कहेगा लोग पैसे ज्यादा दे देंगे ये भी ना सोचो उन्हें बेचे होना गुजारा करता रहा हूँ एक दिन नौकर में चिट्ठी आ गई कि तू घर आ उन्होंने बेचारे की कई 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 महीने तनखा खड़ी रही सी उन्हें बादशाह को अर्ज की बादशाह कहने लगे भी गल आए हैं इस वे मेरे को पैसे नहीं तनखा वास्ते ठहर जा हो ठहरिया हो ठहरिया आखिर कहना जी मैं जाना है कहने भी 1 रुपया मेरे को हक लाल की कमाई का यह लै जा अल्लाह एक बरकत पाओ होर तो है नहीं फिर दे दूँ बाकी पूरा तुम देखो तनखा भी नहीं दी चो रुपया लैके चलिया सोचता है भी मैं की लै जा घर की किसी ने देगा अगे की देखता है एक जगह बड़े अनार सस्ते दिखते सी उन्हें कहा चलो अनार ला जाना रुपये एक दे दूंगा और क्या अनार मिलते बड़े सस्ते होंगे उन्होंने फंड हो गई कोई तकरीबन फंड चाहे तुर पाया अंदर राजस्थान का इलाका से उत्थे डांडी पिटदी पै से क्या उत्थे बादशाह दी राजे दी औरत दी मार हो गई बड़ा इलाज कराया इलाज ना होया किसी हकीम ने कहा अनारा का रस दिता जाए इस मकदार राजे हो सकते हूँ उत्थे अनार नहीं सी बादशाह डांडी पिटा हुंदा सी उन्हें कहा एक एक अनार का 100-100 रुपया देना कोई लिया हूँ उन्हें डांडी सुनी ये को
सौ दे करीब ना सी पंड बनी सी लेके जाके रखते बादशाह ने दोनों पैसे ने उस हिसाब से पैसे देते एक दस का फायदा देता दिन कर पहुंचाया रास्ते को खो ना लगे हूँ वह कहता है बादशाह की गल याद आ गई कि हक लाल की कमाई का एक रुपया ले जाए जो अल्लाह बरकत पाओ बरकतें बरकतें रास्ता ने भी जी खूबा कुमार होया भक्ति भाव वाला सी वह तो औरत दोनों एक बर्तन बेचना तो दोनों लैके रोटी खाना एक दफा कोई मंडली आ गई उन्होंने तीर्थों से जाना सी उत्थे ठहरे पिंड च गए भी सानू राशन दो वो कहन लगे भी होर तो कोई राशन नहीं दे सकता अगर दे तो कुब्बा कुमार बेशक दे दे कुब्बे को गए हूँ वह बेचारा गरीब सी कुब्बा शाहूकार को गया कहन लगे भी गल आए मैं तेरा कर्जा उतार नहीं क्या कि नहीं हो गया तू इन्हें राशन दे वो जानता सी भी गरीब भी है लेकिन आदमी सच्चा है उनके भी गल आए हैं मैं लोना खूह तू मेरा खूह ला दे ते राशन ले जा उन्हें दे दे राशन देता वो खूह लाने लग गया वो मिट्टी कट्टे और बाहर कड्ढे अगर पानी मीठा निकलिया है जो पानी मीठा निकलिया तो हूँ वो राजस्थान के खूह है जिन्हें मिट्टी गिर गई बिच दब गया हूँ दब गया तो पिंड वाले आए जिस दिन दिलासे देने कढ़न की हिम्मत किसी ना पवे उन्होंने दिलासे देन हूँ पर जरा भगती पाव वाले ने उन्होंने जो स्वाद आया आपस में प्रेम है वो तो नहीं मिलता साल भर बुद्ध गया एक मंडली होर आ गई उत्थे तुरी ठहरी वो सोचते ने देखते ने भी किसी पास गाने की आवाज आदि खड़ताल बजी पी भी खड़ताल बजाया करता से इधर उधर देखा कोई पता नहीं लग्या आखिर जिधर आवाज आती तुर पे अगे देखते ने खड्डे को आवाज फिर देखा खड्डे दे विच्चों आउंदी पई है उन्हें पिंड वाले खबर की पिंड वाले बादशाह खबर दी भी इस तरह होया बादशाह ने खूब खुदवाया तो उस तरह निकला ये हक लाल की कमाई के बरकत ने यह हक लाल की कमाई है इनू पता नहीं लगता हक लाल की कमाई कुदरती बरकत है सबर न करे रखे हाँ जी ये असूल ने मोटे मोटे जिन्हें भगती पाओ करनी है हाँ जी जिन्हें जन्म के बंधन छुड़ाने ने हाँ हर पैलड़ी लाव पर विरती कर्म दिरड़ाया बलराम जियो वाणी ब्रह्मा वेद कर्म दिरड़ो पाप तजाया बलराम जियो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हर नाम किया सिमरत नाम दृढ़ाया धर्म दृढ़ हर नाम किया सिमरत नाम दृढ़ाया सच गुरु गुरु पूरा आराध्यो सच गुरु गुरु पूरा आराध्यो सब किल विख पाप गवाया सब किल विख पाप गवाया जब इंसान ना सुलह तो चल रहा है क्या इन्हें विषय से परे रहता है ज्यादा इन्हें प्रवृत्त नहीं होंगे हक लाल की कमाई गुजारा करता है और मिलकर काम करता है
ਤਦਰੂਜ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਨਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਤਾਇਤ ਲੁਕਮਾ ਯਾਦਤ ਹਲਾਲ ਤਾਨੇਤ ਜ਼ਾਇਤ ਰਾ ਰੰਜਨ ਲਾਲ, ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਰ ਖੁਰੀ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਅਜ਼ਵਜ਼ਾ ਹਲਾਲ ਨੂਰ ਤਾਬਿਤ ਬਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ਮੇਰੇ ਕਮਾਨ, ਕਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੁਕਮੇ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤਾਕਤ ਕਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਮਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਭ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਯੁਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਮੇ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲਾ ਆਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੌ ਜਨ ਚੌਥੇ ਪਦਵੇਂ ਗਤ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਭਗਤੀ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁਡਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨਾ, ਪਾਪ ਉਨ ਸੰਬੰਧ, ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸਭ ਬੰਧਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਲਟ ਸੋ ਧਨ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜੂਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਿਨ ਵਰਤਨ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਸਭ ਜਪ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚਿਤਰਾਈ, ਉਜੜ ਭਰ ਮੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਮਾਥੇ ਛਾਈ, ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮਨ ਦਰਵਾਜ, ਜੀਆ ਰੇ ਉਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਵੇਂ ਭਾਵ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਦੂ ਤੇ ਚੜੂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਟਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਰੀਕਤ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬਟਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਕੱਟੇ, ਧਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਗਰ ਫਾਟੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਸੁਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਾ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਖੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਲ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦਿਰਡੋ ਹਾਰ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦਿਰਡਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲਤਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਛਪੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਪੁਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸੱਚੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੁਣ ਜਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਕਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਹੁਕਮ ਜੀਆ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡੇ ਆਈ। ਹੁਕਮ ਕਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦਿਰੜਾ ਹਾਰ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾ।
किल विख पाप गवाया, सब किल विख पाप गवाया। करड़ी लाम पर विरती कर्म दिरड़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद तरम दिरड़ो पाप सजाया, बलराम जियो पाप सजाया बलराम। सहज आनंद होवावड पागी, सहज आनंद होवावड पागी, मन हर हर मीठा ला, मन हर हर मीठा ला। जन कहे नानक लाम पहली, जन कहे नानक लाम पहली, आरंभ काज रचाया, आरंभ काज रचाया। मौद ने कहना सुना चलना, ये पहली पौड़ी है, पहली स्टेज है, जिन्हें चलना मालक मिठा ते प्यारा लगता है। अस सहज आनंद क्या कित सहज आनंद है त्रिलोकी ते पार चौथे लोक च, त्रिलोकी ते पार चौथे लोक च उत्थे सहज आनंद दी प्राप्ति होंदी है। ये पहली पौड़ी है, त्रै गुणा में सहज न पाइए, त्रै गुण परम पुलाए, पढ़िए गुणी कुथी है जमुडो कुथे जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पले पाए। ये सहज आनंद दी मालक दरगाह पहुंचने की ये पहली स्टेज है, पहली पौड़ी है, जिसे चढ़ के सिर्फ जा सकते हैं। सहज आनंद होवावड पागी, मन हर हर मीठा लाया, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाम पहली, जन कहे नानक लाम पहली, आरंभ काज रचाया, आरंभ काज रचाया। पहलड़ी लाम पर विरती कर्म दिरड़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद तरम दिरड़ो पाप सजाया, बलराम जियो पाप सजाया बलराम। हर दूजड़ी लावा सती गुरु पुरख मिलाया, बलराम जियो पुरख मिलाया बलराम जियो। हर दूजड़ी लावा सती गुरु पुरख मिलाया, बलराम जियो पुरख मिलाया बलराम जियो। निरपो पैमान होए हो में, निरपो पैमान होए हो में, मैल गवाया बलराम जियो, मैल गवाया बलराम। जद इंसान इन्हें सुलंध चलता है, घट खाता है, घट सौंदा है, पंचम करता है, तो रूह जी लू लू फसी भी है,
ਚਿੱਟੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਚੇਤਨੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਦਾ ਮਰਨਾ, ਜੀਵ ਮਰੇ ਮਰੇ ਹੁਣ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਏ, ਦਾਦੂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਰਹੋ ਪਾਚੇ ਮਰੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਡਰਦਾ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਜਾਣਾ ਨੀ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਹ ਚ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਢੰਗ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਡਰੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋੜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੇ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਤੋ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਕੱਚੇ ਹੈ ਸੋਈ ਹਰ ਜਨ ਕਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਨਮੇ ਆਪ ਰਖਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜ ਸਿਰ ਤੋੜ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮੋਹ ਨੇ ਜਸੀ ਛੋੜ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨੀ। ਹਾਂ ਹਰ ਤੂੰ ਜੜੀ ਲਾਵਾਂ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਪੈਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਮੇ, ਨਿਰਭਉ ਪੈਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਮੇ, ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਪਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਵੇਖ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ, ਸਭ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਈਰਖਾ ਦੁਆਤ ਵੈਰ ਦ੍ਰੋਹ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ, ਈਰਖਾ ਦੁਆਤ ਵੈਰ ਦ੍ਰੋਹ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ,
मन मेरा धावन ते छुटके कर बैठो विश्राम, माया ममता मन ते तनते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, काम क्रोध परसने सके गई भक्त भगवान। ये असली पक्ति है, सब निकल गए, ये हड़गे तो समझो नाम आया ही नहीं। हाँ, भक्ति तो नेड़े ही नहीं, जिसे दूरी उसे भक्ति है ही नहीं। हाँ, निर्मल पापाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हजूर। अगली घड़ी हाँ। अंतर बाहर हर प्रभु एक मिल, हर जान मंगल गाए, मिल हर जान मंगल गाए। अंतर बाहर हर प्रभु एक मिल, हर जान मंगल गाए, मिल हर जान मंगल गाए। जन नानक दूजी लाव चलाई, जन नानक दूजी लाव चलाई, अनहद शब्द बजाए, अनहद शब्द बजाए। यह का फना ने फना नु देख लिया ने, बार मुखी ने जी मालिक देखने वाली अख है वो हो रहा है। जिन्होंने शिव नेत्र कहने तीसरी अख ने नानक से अखने बेन, जिन्होंने जसिंदो मापरी जद खुली, जद खुल गई सारा ने प्यार कर दिया। कम किया फिर भगतान बैठ के सतगुरु के गुण गाने, आप जपना उन्हें जपाना, आप आनंद सुनना उन्होंने सिखाना, फिर अगर ये कम है बस, और सारे कम बाकी खत्म हो गए। धीरे धीरे ख्याल है दुनिया के काम भी किए, बाकी ये कम है। हाँ हाँ जी, जिसने चलाने वास्ते वो भी करना पैंदा है, लेकिन ये असली ये है, ज्यादा कम ये है जरूरी। हाँ जन नानक दूजी नाम चलाई, अनहद शब्द बजाए, अनहद शब्द बजाए। प्रगट हो गया बच्चे, अमृत है, शांति आ गई। जेड़ा मन बाहर नठिया पजा फिर अंदर ठहरन लग गया, फिर अगे बदन का चाव हो गया। ज्यों ज्यों अगे जाता अजीब खुशी है, अजीब शांति जी बढ़ती जाती है, अजीब नजारे ने जो कद देखने सुनने च नहीं आए, पर कद मिलते कद ने जद पूरे भागा नाल संत का मिलाप होया। संत किनू कहते हैं, तनु यह नहीं पता चोले पाए संत बन गए। संत कहते कि संत तो है जो अभ्यास करके मल्ल चौथे लोग सचखंड नामी कह लो
सतलोक पहले उसे जाता उदा नाम संत है। साधु कहते हैं जो ब्रह्म देश के पार पार ब्रह्म जाता है उदा नाम साधु है। पार ब्रह्म साध हिरदे बसे नानक तेरे साथ सुन रसे। एक वीर साहब कहते हैं सात सोई जिन्हें कर लीना नौ दरवाजे प्रगट कीना दसवां खोल जाए जन दीना जहां कुफरा मारा है। आगे सेत सुनना भाई मान सरोवर पैठन आई हंस ने मिल हंसा हो जाई मिले जो मी हारा है। साधु वो है ये नौ दरवाजे ने इस मंदिर दे दुखां दे दो कन्ना दे दो नक दे मूंह दा पिछाब दे बंद करके दसवां खोले दसवां खोले फिर अगे चले अगे मान सरोवर है जिन्होंने अमृतसर कहने हैं प्राग कहने हैं उस नावे तारू साफ होंगी है परे उन्हें साधु से भी जा सकता होर नहीं अंदर अमृत दे हौज परे पैने पता नहीं अगे तो अगे गुरु नानक साहब मके गए तो काजी रूपनदीन ने पूछया मल कितने रहा है किन्ने दरवाजे हैं किन्ने खिड़कियां हैं। उस वे उन्होंने फरमाया नौ दरवाजे कोट दे दसवां नूर महल हौज याती कुर भरे तिस विच कमल चल ये नौ दरवाजे ने दसवां खोले अंदर अमृत दे हौज भरे पे ने पता नहीं आला ते आला केड़ा है कमल दा जिन दसवां द्वार कहने हैं वो आला ते आला उत्थे भी शांति आती उत्थे जाके रूह साफ होंदी है। कहने फिर अगे वधन दा चाह ज्यों ज्यों अगे जांदा है नया ते नया अमृत है नया ते नया अमृत है अंदर खुशी ते खुशी है नए नए नजारे ने नए नए सतगुरु दे सरूप ने पर संतां दे सुभ जाके हो सकदा उह नहीं। हाँ जी हर तीजड़ी लावा मन चाओ पया तरा गया बल राम जियो बैरा गया बल राम जियो संत जना हर मेल हर पाया संत जना हर मेल हर पाया बड पा गिया बलराम जियो बड पा गिया बलराम निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी मुख बोली हर बाणी संत जनावड़ पागी पाया संत जनावड़ पागी पाया हर कथिये अकथ कहानी हर कथिये अकथ कहानी निर्मल हर कथिये त्रुटि ब्रह्म देश कहते अजीब बोली है अजीब बाणी है दिल कण सुनते परे है दस नहीं सकते कैसी है पर मिलती है संत की मेहर न अनहद बाणी पूंजी संत न तराकी पूंजी उन्होंने जरिए मिलती है उन्हें दस नहीं सकते हो कैसी है बाणी आत्मान ज्ञान कत जो कोई पूछे बात गुंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुखसाद पुरान सब कहने मिल सकिया पूछो ककंत निशानी रस प्रेम भरी कुछ कहना जाने की तुसे दसन चाहती नहीं वो चीज ऐसी है। हाँ हाँ जी हिरदे हर हार हर तूने उपजी जपिया मस्तक पाग दियो हर जपिया मस्तक पाग दियो हिरदे हर
ਗਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁੱਚੇ ਸਾਧ ਸਮਾਇਆ, ਪੀੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਨਾ ਤਿੰਨ ਵਸੇ ਠਾਈ ਬੈਣੀ ਸੰਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਤਾ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਠਸਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲੀ ਕੱਟਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੂਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਰੂਹ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੂੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਛੇਤੀ ਕਰਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਆ ਕਬੀਰ ਜਨ ਗਾਇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸੰਤੇ ਗਿਆਨ, ਨੀਚੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ। ਉਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੇ ਪਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਪ ਮਰੇ ਜੱਪਾ ਮਰੇ ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੁਤ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੋਥੜੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਮਨ ਤਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਮਨ ਤਨ, ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਪਟਕਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੈਂਗਲ ਸੱਕ ਦੀਵਾਨਾ, ਪਨਖੰਡ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈਰਾਨਾ, ਇਤ ਚਾਲੇ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲੈ ਕਰ ਆਪੇ। ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਿਆਰ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਦੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿੜੇ, ਕਦੇ ਨਾਚ, ਕਦੇ ਰੰਗ, ਕਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦੇਣ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਚੰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆਨ ਬੁਝਾਇਆ ਦੀਪ, ਕਰਮ ਲਗਾ ਭਰਮ ਫਿਰੋ ਮਿਲੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਰੋਸ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਗਾਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਣ ਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਿਵਾਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਵ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ, ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ।
हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अनदिन हर लीवला अनदिन हर लीवला मन चिंदिया फल पाया स्वामी मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम बजी बधाई हर नाम बजी बधाई उन्हें गुरु बन गया सिवाय मालिक के प्रेम देवरे ने कुछ नहीं ये तो प्रेम देख के सतगुरु ने प्यारा लगता है उन्हें गलना ला लिया मन चिंदिया फल क्या असलास पूरी होगी हर वक्त अंदर लिप लगी है नाम नाल उत्थे दी रूहां इन मुबारक दिन के तन्ना तू जिहड़े मोह माया छड के आई है त्यापे निकली है नहीं तो कोई नहीं निकल सकता कोई नहीं आ सकता हां हर नाम जी बधाई हां जी हर प्राप ठाकर काज रचाया तन हृदय नाम तन हृदय नाम विगासी हर प्रभ ठाकर काज रचाया तन हृदय नाम विगासी तन हृदय नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावे जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अवनाशी हर पाया प्रभ अवनाशी फिर बोल हाँ उदा हृदय बाग बाग हो गया खुशी आ जाए अविनाशी पुरख मिल गया ना हूं जमना ना मरना ना आना ना जाना सारे खड़े छुट गए हर प्रभ ठाकर काज रचाया गया जिस तरह इतनी शादी होंगी है वह खुशियां मनाते हैं अंदर रूह भी मालिक ना मिलकर खुशियां मनाती है रूह भी अंदर खुशियां मनाती है हाँ हर प्रभ ठाकर काज रचाया तन हृदय नाम विगासी तन हृदय नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावे जन नानक बोले चौथी लावे प्रभ अवनाशी हर पाया प्रभ अवनाशी इसके बाद असि नाम सब पढ़ते हैं बोलेगा बोल ज्ञानी मजदे भाई ज्ञानी नाल गए मजदे हाँ वह खुशी जाहिर कर दिए रूह कि मैं आ आनंद हासिल किया हूं दुनिया च रेंदे हुए हाँ आनंद पाया रोज पढ़ने का मतलब यह सी इन भी कदे चोट लगे मैं भी आनंद हासिल करना है बस पढ़ के परे हो गए आनंद हासिल किया ही ना हाँ आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया
सतगुर ता पाया सहज सेती, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वधाया। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वधाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया, शब्द तगा हरि के मन जिनी वसाया, कहनानक नंद होवा, कहे नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया, आनंद पाया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया। दस दिन कि मैं ऐसा आनंद हासिल किया है कि अंदर सतगुरु नूं पा लिया। कित्थे पाया है? सहज सेती सहज अवस्था तो है। कित्थे? त्रिलोकी ते पार चौथे लोक। भाई कबीर साहिब ने कहा, कह कबीर हमरा गोबिंद चौथे पद में जिनकी जिन। त्रै गुणा में सहज न पाइए, त्रै गुण परम पुलाए, पढ़िए गुणिया क्या कथी है, जो मुढ़ो कुथे जाए, चौथे पद में सहज या गुरमुख दे पाए। उत्थे पाया, उसे रात हमने पहने परी नचते पे, अजीब खुशी है, अजीब शांति है, कहन सुनते परे है। वो चीज हासिल की थी है। हाँ हाँ जी। मन मेरे आ सदा रहो हर नाले। साढ़े समझाने वास्ते कहते ने, जेड़ा आनंद ले लैंदा उन्हें छड्डन जी नहीं करता। वैसा आनंद उते मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार ना, अग्निकारी वो कर तेरा कार्य सब सवार ना, सब न गला सम्राट स्वामी। सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, नक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पाए। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसाए, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द खनेरे। इस जबान ना की सिफत कर सकता है मालिक जी? ये सिफत अपनी सिफत आप कर दे, वो अपनी सिफत आप कर दे। ये सिफत है, एक ही कर सकते, जबान की कर सकते, कितना करोगी? रोज पढ़ते हैं, वड्डे मेरे साहेबा गैर गमीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केवड़ के तचीरा, सब सुरती मिल सुर तुम्हारी, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुरु राई, कहने जाई तेरी तिल वड्डी आई। बोलो की कर सकता ये है? हाँ ये सिफत है, वो आपने सिफत आप ये कर दे, उत्थे पहुंच गया। हाँ साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पाए।
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसाए, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द घनेरे, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द घनेरे, कहे नानक साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साचे नाम आधार मेरा दिल, भूखा सब गवाया, साचे नाम आधार मेरा दिल, भूखा सब गवाया, कर शांत सुख मन आए वसिया, इच्छा सब पुजाया, सदा कुर्बान किता गुरु बेटा, जिस दिया ए वड़ाया, कहे नानक सुन संतो, कहे नानक सुन संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया, बाला खाना पीना लसता है तो मना तंदियां रूह की खुराक ही है नाम, नाम का रस कि सारिया भुखा मिट गया, वो ऐसी लज्जत है मुकाबले कोई लज्जत नहीं, फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मजा दुध सबे वास्ते मिठिया रब न पुजी, तो दुध मुकाबले कोई लज्जत नहीं, जिन्हें जिन्हें पाया उन्होंने आगे यही कहा भी साड़िया सारिया भुखा मिट गई, मेरा यही कहती है क्या कहने सगुरु पाया, फिर उन्हें मैंने सच्चा नाम पकड़ाता, मेरी सारी भुखा मिट गई, सांखड़ी गली मेरा सतगुरु मिला, किसी से फिर वो पुठी पायो रे, मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो गया सुधन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म हुए दिन दिन वर्ष वायो, वो ऐसा ताना कभी मुखदा ही नहीं तो खुद खजाना है, हाँ ये पक्तन की रास है, खर्च खजाना नाम का ये पक्तन की रास, हाँ ये खुद खजाना है, हाँ जी ओ ये खजाने कढ देने सानू भी यही पक्ष आते ने भी अंदर कढ लो अंदर कढ लो, हाँ जी ये खुराक देने आते ने, हाँ जी करतारिया बाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द बाजे कला जीत करतारिया, पंच दूत तुझ वस कीत काल कांटक मारिया, तुर कर्म पाया से नाम हर के लागे, कहे नानक ते सुख होआ, कहे नानक ते सुख होआ, जित घर अनहद बाजे, जित घर अनहद बाजे, शब्द के अंदर ने हो है तो कोई शब्द है लेकिन मुखलस जगह से बोली पता जाती है, कहना अगली स्टेज तक पहुंच गया, वो ऐसी स्टेज है कि काम करो लोगों कर वास्ते आ गए, मन काबू हो गया, काल कंटक गया, जेड़ा काल त्रिलोकी तक सब नू खा गया, ब्रह्मा नू खा गया, विष्णु खा गया, शिव नू खा गया, देवी देवते सब नू खा गया, इधर पकड़ जाने कहने तीन लोग और इसको उगड़ कर आज आया अचानक क्यों पकड़ेगा ज्यों की निवास, सोच रोज पढ़ दिया क्या इंद्रपुरी में सिर्फ मानना ब्रह्मपुरी नीचे लड़ाना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिन सुताला, ये सब लोग खा गया कहना वो भी काबू चाह गया, ये थोड़ी भगती करें उन्हें नमस्कार करता है अभी तना तू जो ये भगती लगे, माणी चाहता है पापी कर्म कमाम दे
कर दे हाय हाय। नानक क्यों मथन मथाणिया क्यों मथे तमराए, नाम त्यान साजना ना पदार्थ जीत, नानक तरमियों चवे की तो पवन पुनीत। वो भी नमस्कार करता है इस भक्ति में, ये थोड़ी भी हो गए नेड़े नहीं आता काल। हाँ कहने ऐसा किता है नेड़े नहीं आता होना, सब 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 ते काबू पा गया। अखीर बोल रहे हाँ आनंद सुनो वड पागियो सगल मनो रथ पूरे। विचार करिए सी सोचो की कहने ने हाँ। आनंद सुनो वड पागियो सगल मनो रथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतर सगल विदूरे, दुख राग संताप उतरे। सुनी साची बाणी संत साजन कहे सर से, संत साजन कहे सर से, पूरे गुरु ते जानी, पूरे गुरु ते जानी। कहने ने कैसे ऐसा आनंद हासिल किया है कि सारे दुख दूर हो गए। कद जब पार ब्रह्म च गए उत्थे जाके उत्थे सच्ची बाणी है सच्चा नाम है त्रिलोकी के पार जन कह कबीर जन गए के सुनो संत ज्ञान नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुरु नाम, उत्थे सच्ची बाणी है उत्थे शुरू होंदी है। बड़ मिलदी कदा है गुरु अमरदास की बाणी है, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सरसे का मतलब सरसा नहीं, जिन्होंने सेवा कर करके खुश किया फिर पाया है। उन्होंने देख लो 12 साल कड़ी तो कड़ी सेवा की, रात में किली ना केस बनने फिर अंदर नाम प्रगट होया फिर पाया है। हाँ उत्थे सच्ची बाणी है थले है, असी बाहरली बाणी ये जी है साढ़े वास्ते समझाने वास्ते है। मेरे साहब आपे भरम बुलाने अखर लिखे सही गावा अब ना जाना बाणी ये साढ़े समझाने वास्ते है। ये कहते चल अंदर कट अंतरे सच्ची बाणी सच आप पछाने राम, इदू अगे अनहद बाणी है जिन्हों त्रैगुणों कहने हैं वो भी ब्रह्म का जाल है। त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वा दुखाने सिर मारे जमकाला, उदू जाके उत्ते सच्ची बाणी है ये सुख ये सब दुख दूर करने वाली है। हाँ जी जे दुख दूर नहीं होए समझो साढ़े बाणी ने तुलित नहीं पाया, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी मन मुखन दे दुख भी आनी। हाँ हाँ जी सुनते पुनीत कहते पवित, सुनते पुनीत कहते पुनीत, सतगुरु रहा भरपूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, गुरु रहा भरपूरे। बिनवंत बिनवंत नानक चरण लागे वाजे अनहद तूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे, वाजे अनहद तूरे। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया। इस बार असि अरदास करते हैं, अरदास मतलब है मालिक तेरी मेहरी है, मैं तो किसी कम का नहीं सी, ये तेरी मेहर नाल सब कुछ होया है। नहीं मैं कितने आ सकता सी, तेरी मेहर होई तां कोई फकीर मिलिया तां मैं ये रास्ता अख्तियार किया तां तेरे को पहुंच, ये है असली आनंद दा मतलब असल ये है। हाँ हाँ जी ना की नाम दा जिनके जिया तिनी फेरे आपे भ्यास आई, असली कीने करने हारे नानक सच वड़े आई। उस जीव सी तेरे जीव सी तू मेहर की अचरे जा क्या चुरासी का चक्कर मिट गया जरा तके खाता सी। हाँ जाओ प्रशाद नहीं आओ आओ बोलेंगे ज्ञानी दे नहीं।
विवाह हुआ। अच्छा बोल। हाँ ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हार पाया, ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हार पाया, ब्याह हुआ अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया, अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया, ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरुमुखे हार पाया, ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरुमुखे हार पाया, ब्याह हुआ। बल्लिया गुरु ज्ञान अधेरा बिनसिया हर रत्न पदार्थ लादा, बल्लिया गुरु ज्ञान अधेरा बिनसिया हर रत्न पदार्थ लादा, बस क्या हो गया। चलो जेड़ा रूह दा मालिक ना मिलाप होना है। हाँ सत गोरे अपना सिमरिए कारज आया रास, नानक नाम त्याइए कारज आया रास, ओ नंद कारज हो गया है, नंद कारज हो गया है, संगतनों सजनों संगत सुरंदी सारी सुन लेख बीबी ए जी, पति दे रहना आज्ञाकारी, सस सौरे वाला है भैन जी नहीं वाके अलटाना, उठ सोवा सारनू जी जरूरी है पैरी हथ लाना, जिस ननद जठानी से कदे ना बोल कसूता बोली, ए कर दे पढ़ दे नू किसे ना पास बमंडन खोली, बे समझा वांगू जी ना खूटो बे ते लड़िए, किसे आंड गवांडी रे बार ना बिना मतबलों खड़िए, सब पैन पान जी नू पैन जी आदर नाल बुलाइए, किसे कुआ पतीजी दे मिलना बिना सने हो जाइए, ए लद पेक्या सौरां दी भैन जी सिर दे नाल नभौनी, कर आय साख संबंधी दी इज्जत करिए दूनी चौनी, ए परम प्रीतम दा भैन जी मुँह ना कदे फटकारी, तद रसम जवाने दी पति नू रती वांग सतकारी, पर परम पूतना ना ना कोई पीर फकीर मनाउना, किसे मरी मसानी नू कदे नी भुल के शीस नमाउना, ए बाणी सतगुर दी संगती जदा झूठ ना कहंदा, जो पासक सतगुर दा सभी फल भुगत मुगत दा लैंदा, तेरे अज बावर ने सिर तो फर्ज उतारे, एनू गुरु नानक जी सुरग में बख्शू मैल चुवारे, ए लबन की बदाता दी जो है परवदगार, सारे परिवार विचो निकली कुंज जो डार, हर भैन भरावां दा
सजना पौ प्यार कर जाके सौरा दे आगे बाना नवा अधकार ए बाणी सतगुर दी संत जी रता झूठ ना कहंदा जो पाठक सतगुर दा सभी फल भुगत मुगत दा लेंदा कह रो तन तन संगत सारी धान धन सतगुरु तेरा सतगुरु हाँ दूरों आया चल तकी तो शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो उस तुन निंदिया नानक जी मैं हब मजाई छोड़िया हब किच त्यागी सबे साथ कुड़ावे जिथे तो पल्ले तड़े लागी मैं ना ही किछ हो नहीं किछ आहे ना मोरा ओ सिर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा शाम स्थाना दी साजी निवाजी गुरु रूपी साध संगत जीओ मैं एक ता नाम दे प्रसाए शेर बोलना है एक संतां दे प्रसाए शेर बोलना है आठ तो आपे संत कर देंगे मैं ता संतां दे प्रसाए शेर बोलना है अभी संतां दे द्वारे आया तो संतां दी शरण पिया तो की मरातबा मिलना है चलो संतां द्वारे सीना साध होवे जिते बगे विवेक दी गंग है जी जन्म जन्म नी मैन नू कट दिंदे गूड़ा चाड़ के नाम दा रंग है जी जाके पुछ लो वेद भवेकियां जाके पुछ लो वेद ग्रंथियां सबे पाठ दे संतां दा संग है जी सदा करो सतसंग दे नाम जप लो सदा करो सतसंग दे नाम जप लो दे ही जान लो कंच दी बंग है जी संत सरन जोजन परे खोजन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार नाम दे प्रसाए नाम दी की मैं एक चित्र ते चित्री कमाद विच बैठी सी उन्होंने आखिरकार रोज संत सुनाउंदे ने अंतकाल जो लड़के सिमरे चित्र ते चित्री बैठे ने उन्होंने उत्ते आके फंदक ने शिकारी ने जाल पा लिया तूते बाज छड दिता तीर ते कमान करके एक पासे पै गया उसनु मारन दे वास्ते फिर कुत्ता छड दिता ते चित्र चित्री तहां उड़े उन्होंने प्रसाए की कहने ने उड जान की बात सुजान कहूं उड जान की बात सुजान कहूं नर बांध कमान लियो सर रे तितरी कहे उड जाऊं कहां तितरी कहे उड जाऊं कहां मेरा कौन सहाई बिना हर रे अंत आखिर वेले जो याद कर अकाल पुरख के अपना इस वेले कौन सहाई है अकाल पुरख है निराकार निरंकार फंदकारियां कालड़े नाग डस्यो फंदकारियां कालड़े नाग डस्यो सर छूट के बाज गयो मार रे जिनके रजपाल गोपाल तनी तिनको बल पद्र किया डर रे तान तान सतगुरु चलो हो गया।